हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर करंट अफेयर फरवरी 2020 के 15 तारीख के बाद का है। इससे पहले 15 तारीख का वीडियो मैंने लोड कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। सरकार ने पूरे देश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी रणनीति शुरू की है? स्वच्छ नैम्प, एन कैम्प, NISM। तो सरकार ने पूरे देश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो रणनीति शुरू की है वो है NCAM, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम होता है। इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से ताल्लुक रखने वाले तीन आदिवासी समुदायों परिवार तलवार और सिद्धि परिवार तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है? एक कहाँ के? तो ये होगा आंसर कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? सुषमा स्वराज भवन, अरुण जेटली भवन, भगत सिंह भवन या अटल भवन? आंसर क्या होगा? सुषमा स्वराज भवन। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? अशोक कुमार, मनप्रीत सिंह, संदीप सिंह या सरदार सिंह? क्या आंसर होगा? मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात उधार लेने वाले MSF का पूर्ण रूप क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मैक्सिमम स्टेटरी फैसिलिटी, मैक्सिमम स्टैंडिंग फैसिलिटी और मार्जिनल स्टेट्यूटरी फैसिलिटी। क्या होगा आंसर? ये होगा फर्स्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लियोनेल मेसी और किसने संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीत लिया है? टाइगर वुड्स, राफेल नडाल, एलियड किपचोगे, लुइस हैमिल्टन? तो ये आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज बॉर्डर्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में 79% पशियों की तादाद घटी है? श्रीलंका, अमेरिका, भारत या जापान? क्या आंसर होगा इसका? भारत। नेक्स्ट देखते हैं। 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तुवाड, गली बॉय, अनुच्छेद 15 या बधाई हो? आंसर होगा गली बॉय। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और गांधीनगर में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा एक समझौता ज्ञापन के बाद एक वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन किस राज्य में आएगा? गुजरात, तमिलनाडु, बिहार या केरल? तो ये आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? दीप्ति कुकरेती, आवर्ती चौधरी, नेहा जायसवाल, एडलिन कैस्टलिनो? तो आंसर होगा एडलिन कैस्टलिनो। नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन, इमोशन, चेज योर ड्रीम्स, लेटेस्ट डू इट, स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड? आंसर होगा यूनाइटेड बाई इमोशन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत 131वें स्थान पर है? WB, यूनिसेफ, WHO, WTO? तो ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स, जिसको खुशी का पैमाना भी बोलते हैं, इसमें भारत 131वां स्थान पर है, ये यूनिसेफ द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2020 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCCOP26 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया था? स्पोर्ट्स क्लास, हैप्पीनेस क्लास, स्माइल क्लास या योग क्लास? तो आंसर इसका होगा हैप्पीनेस क्लास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत द्वारा 2022 में किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानीबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? चंडीगढ़, जयपुर, गुवाहाटी या चेन्नई? तो ये होगा चंडीगढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म हिडन फिगर से प्रसिद्ध हुई नासा की गणितज्ञ का क्या नाम है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रोजी एल्बर्ट, कैथरीन जॉनसन, बेल्विनोरा
जेनिफर डोवेन। आंसर होगा कैथरीन जॉनसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से भारत के कितने शहर इसमें शामिल हैं? तो ये आंसर होगा 21 शहर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा एनआरसी के विरोध प्रस्ताव पारित किया गया था, वर्ष 2010 के आधार पर एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया? हरियाणा, बिहार, नई दिल्ली या मध्य प्रदेश? तो ये आंसर होगा बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूल के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो आंसर होगा दोस्तों केरल उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेव LIC इस्तेमाल किया जाने की घोषणा की गई है? रियलमी, एप्पल, कार्बन या नोकिया? तो रियलमी और जियोमी के द्वारा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा किया जाएगा, ये बनाया गया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो ये 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो था करंट अफेयर से है दोस्तों। अब यहाँ आपका फरवरी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ अलग क्वेश्चन है सब। देखते हैं देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल से? तो ये जानते होंगे क्या आंसर होगा, क्रिकेट से। नेक्स्ट देखते हैं BR डिस्प्लेस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, संजय ठाकुर, मलाला यूसुफजई, मनोहर मनोज या मनीषा कोयराला? क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल या 19 अप्रैल? आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, 17 अप्रैल। नेक्स्ट देखते हैं RO का विस्तृत रूप क्या है, रोल ऑन, रोल ऑफ, रीड ऑन, रीड ऑफ, रेस्ट ऑन, रेस्ट ऑफ, नन ऑफ दीज? आंसर होगा ऑप्शन ए, रोल ऑन, रोल ऑफ। अगला देखते हैं हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किन्हें मिला है, तरुण कांति मिश्रा, चौधरी बर्मन, धर्मन, चिन्मय गुहा, नंदकिशोर आचार्य? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी किन्हें मिला है, नंदकिशोर आचार्य को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक, सत्यदेव नारायण आर्य, हरिवंश नारायण सिंह, कंबरदीप सिंह? तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक, जब हटा था धारा 370। नेक्स्ट देखते हैं फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है, जोया अख्तर, अनुराग सिंह, उमंग कुमार, अभिषेक बर्मन? आंसर इसका होगा उमंग बर्मन। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, शिवहर, अरवल, शेखपुरा या मुंगेर? तो आंसर क्या होगा, शिवहर, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है, 7.71.2%, 61.8%, 51.5%, 82.88%? तो आंसर होगा 61.8%, ऑप्शन बी। और 71.2% ये पुरुष का साक्षरता दर है, 51.5% जो है ये महिला का साक्षरता दर है, और 82.8% जो है सर्वाधिक साक्षर जिला है रोहतास पुरुष का, और महिला में भी रोहतास ही साक्षर है सर्वाधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, शिल्प कला में राज्य पुरस्कार के लिए किस जिला से सबसे अधिक कलाकारों का चयन किया गया है, पटना, भागलपुर, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया है मधुबनी से, ठीक है। तो 66th BPSC प्रीलिम्स के लिए आज का 30 क्वेश्चन पूरा हुआ।